नेक्स्ट टॉपिक है शार्पनेस ऑफ रेजोनेंस। रेजोनेंस कितना शार्प है, जितना शार्प होगा पीक उतनी ज़्यादा बन के आएगी। सिंपल है, पीक जितनी ज़्यादा होगी आप कहोगे बढ़िया क्वालिटी का सिग्नल आ गया। इसलिए क्या टर्म आई, क्वालिटी फैक्टर। क्यू स्टैंड फॉर क्वालिटी फैक्टर। शार्पनेस ज़्यादा होगी, बैंडविड्थ कम होगी, क्वालिटी फैक्टर ज़्यादा होगा। सिंपल है, तो क्वालिटी फैक्टर ज़्यादा है। क्वालिटी फैक्टर होता क्या है, पहले डेफिनेशन से पहले, ये क्वालिटी फैक्टर है। जब ये डायग्राम बनेगा, इसके अंदर ओमेगा आर का मतलब रेजोनेंट फ्रिक्वेंसी ओमेगा आर, इसको डिवाइड कर दो ओमेगा टू माइनस ओमेगा वन के साथ। ओमेगा टू माइनस ओमेगा वन कि कौन सी फ्रिक्वेंसीज हैं, ओमेगा टू ओमेगा वन, जब करंट क्या हो जाता है आए आरएमएस, उनके कॉरस्पॉन्डिंग फ्रिक्वेंसी को ओमेगा वन ओमेगा टू बोलते हैं। तो ये टर्म आ गई। इसके डिफरेंस को आज क्या प्रूव किया था, टू इंटू डेल्टा ओमेगा। तो ये क्या आ गया, रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी। ये क्या आ गया, बैंडविड्थ। तो क्वालिटी फैक्टर इज डिफाइंड एज रेशियो ऑफ रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी डिवाइडेड बाय बैंडविड्थ। जितनी ज़्यादा बैंडविड्थ होगी ज़्यादा क्वालिटी उतनी लो होगी, कम होगी क्वालिटी उतनी ज़्यादा होगी। सही, ये लिखा है इसने, इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी ओमेगा आर टू द डिफरेंस इन टू फ्रीक्वेंसीज ऑन बोथ साइड ऑफ रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी ओमेगा टू ओमेगा वन, सच दैट ये वो फ्रीक्वेंसीज है ओमेगा टू ओमेगा वन, जब करंट क्या हो जाता है वन बाय रूट टू टाइम्स मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी है, मैक्सिमम करंट है, दैट इज आई आर एम एस। एक ही बात है, ये मैंने प्रूव कर दिया, वो अभी लिख के दिखाया था, टू इंटू डेल्टा ओमेगा। और ये बता दिया, क्वालिटी फैक्टर अगर हाई है तो बैंडविड्थ को लो रखना है, बैंडविड्थ लो है तो क्वालिटी हाई आएगी, और शार्पर इज दी करंट, उतनी पीक वैल्यू ज़्यादा बढ़िया होके आएगी। और क्वालिटी फैक्टर का कोई डायमेंशन नहीं है, एनसीईआरटी पूछ लेती है इसका डायमेंशन फॉर्मूला क्या है, नहीं है, डायमेंशन लेस है, क्योंकि ओमेगा बाई ओमेगा यूनिट्स कट जाएंगे इसके। ठीक, एक्सप्रेशन फॉर क्वालिटी फैक्टर, इसकी डेरिवेशन है आगे, ये आपके सिलेबस में नहीं है, नॉट इन, ये पढ़ना नहीं है आपने, क्रॉस कर दो इसे, ये नहीं करनी है आपने, इसकी जगह हाँ क्रॉस कर सकते हो, कर दो कोई टेंशन नहीं, कर दो। अब देखो तो सही इसकी शक्ल, अब देखो तो सही कहाँ जा रहा है, नहीं आएगा, खोल के देख लो एनसीईआरटी की, कहीं नहीं आएगा, कॉम्पिटिशन में भी नहीं आएगा। इसी जगह एक शॉर्टकट लिखते हैं, जो खाली जगह ना यहाँ पे, यहाँ पे लिखना, इसी जगह नई डेरिवेशन लिखते हैं जो एनसीईआरटी पॉइंट ऑफ व्यू से चल जाएगी। लिखो, ये लिखो इसकी जगह, देखो क्वालिटी फैक्टर इन सीरीज रेजोनेंस, ठीक है, सीरीज रेजोनेंस है, सीरीज एलसीआर है और रेजोनेंस है। क्वालिटी फैक्टर की डेफिनेशन है वोल्टेज डेवलप्ड अक्रॉस एल और सी डिवाइडेड बाय वोल्टेज डेवलप्ड अक्रॉस आर। ये लिखो, सीरीज रेजोनेंस के अंदर वोल्टेज डेवलप्ड अक्रॉस एल या सी डिवाइडेड बाय वोल्टेज डेवलप्ड अक्रॉस आर, ये रेशियो लिखो। ठीक है, अब वोल्टेज डेवलप्ड अक्रॉस एल ये लिखो, एक ही बात है ना, वी एल बाय वी आर, वी सी बाय वी आर, ये लिखवाया डेफिनेशन में। नेक्स्ट है, वी एल का मतलब क्या है, आई इंटू एक्स एल, आई इंटू आर, आई इंटू एक्स सी, आई इंटू आर, तो क्या आएगा, एक्स एल बाय आर, एक्स सी बाय आर।
ठीक है यहाँ तक। नेक्स्ट है एक्स एल का मतलब क्या है, एल ओमेगा बाय आर, और एक्स सी का मतलब वन बाय सी ओमेगा बाय आर, क्योंकि क्वेश्चन रेजोनेंस पे हो रहा है, ओमेगा मीन्स रेजोनेंट फ्रिक्वेंसी पे चलेगा, तो वैल्यू पुट कर लो। लास्ट में एल बाय आर, रेजोनेंस फ्रिक्वेंसी का फॉर्मूला वन बाय अंडर रूट ऑफ एल सी या फिर वन बाय अंडर रूट ऑफ एल सी, ओमेगा आर की जगह वैल्यू पुट कर दी, ठीक है, ओमेगा आर वन बाय रूट एल सी, ओमेगा आर वन बाय रूट ऑफ एल सी। ठीक है यहाँ तक सही। तो नेक्स्ट है वन बाय आर, एल को अंडर रूट के अंदर ले जाओ तो आंसर आएगा वन बाय आर एल सी, या यहाँ पे वन बाय आर सी अंडर रूट ऑफ एल सी वन बाय आर एल सी बाय सी स्क्वायर वन बाय आर एल सी, चेक कर लो। दोनों तरीके से आंसर सेम आ रहा है, वन बाय आर अंडर रूट ऑफ एल बाई सी, चाहे ए तरीका चाहे बी तरीका चेक करो, सेम आंसर आ रहा है। ठीक, तो मतलब अगर आपको दो नंबर में लिखने को आ जाए कि भाई क्वालिटी फैक्टर को लिखो, तो आप ना दोनों डेफिनेशन इकट्ठे मिक्स करके लिख सकते हो। आप वो ग्राफ ड्रॉ करो वो बैंडविड्थ वाला, उससे पहले डेफिनेशन लिख दो, फिर उसके बाद एलसीआर सर्किट के अंदर ये डेफिनेशन लिख दो। बहुत है दो मेथड से क्वालिटी फैक्टर, और बता दो क्वालिटी फैक्टर क्वालिटी बता रहा है, जितना पीक ज़्यादा होगा क्वालिटी उतनी बढ़िया होगी, उतना ही सिलेक्ट होने का रेट बढ़िया होगा, क्वालिटी अच्छी है सिग्नल की, ये क्वालिटी फैक्टर है।